दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे एक सीलिंग पेन है जो कि 14 स्लॉट का है। इसकी आज हम रिवाइंडिंग करेंगे, एक बार आपको दिखा देते हैं इसको चारों तरफ से। देख लीजिए पूरा खाली है और जो इसके खांचे बने हुए हैं जो हमने पेपर डाले हैं वो पीले 14 हैं, 14 नीचे की तरफ है और 14 ही ऊपर की तरफ है। तो इसमें टन डालेंगे और 36 नंबर वायर यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए। उसमें हम टन डालेंगे 340 टन डालेंगे। यहाँ पे हमारा 36 नंबर वायर है, कॉपर वायर से हम वाइंडिंग करेंगे इसकी। इसके स्टार्टिंग और रनिंग के आपको टन बता देते हैं। ये 14 स्लॉट का है और स्टार्टिंग में 340 टन होंगे और रनिंग में 370 टन होंगे, जो कि 35 नंबर से रनिंग होगी और 34 नंबर से स्टार्टिंग होगी। और भी दोस्तों आपको पंखे वाइंड करना हो तो यहाँ से आप एक ही स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि कौन से फैन में कौन सा डेटा डलेगा। यहाँ पे स्टेटर में सभी सीलिंग पेन के यहाँ पे कौन से साइज के है देख लीजिए। साइज छोटे साइज का 12 स्लॉट में फैन आता है, उसका 358 टन तो स्टार्टिंग में होंगे और रनिंग में होंगे 429 टन। यहाँ पे देख लीजिए नीचे की तरफ 16 स्लॉट स्टार्टिंग 323, रनिंग में 380 है। मोटी साइज का ये पंखा है। चलो तो इन टनों पर हम यहाँ पे वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं और 340 यहाँ पे टन लगाएंगे। 340 कंप्लीट यहाँ पे टन लगे हुए हैं हमारे, जो कि हमने पहले इससे पहले पंखा वाइंड किया था उसके। यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ से इसके वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग से पहले यहाँ पे देख लेना ये किधर की तरफ घूमेगा, ये किधर की तरफ घूमेगा, किधर वायर डालेगा। तो यहाँ पे ये निशान लगा हुआ है, इसका ग्रीन बत्ती झुकी हुई है यानी कि नीचे की तरफ घूमेगा, यहाँ पे रेड बत्ती झुकेगी तो ऊपर की तरफ घूमेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक दो टन हाथ से डालने हैं। हाथ से डालने में वायर इधर उधर नहीं होगा। अभी आपको इसकी जो डाई सेट करते हैं वो भी आपको दिखाएंगे, जो कि एक दो टन देना होगा स्लॉट में ताकि वायर खिसक के दूसरे स्लॉट में नहीं जाना चाहिए या फिर बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए। तो ग्रीन बटन से स्टार्ट करते हैं, टन लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हमारे टन लगने शुरू हो गए, देख लीजिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारी मशीन ऑपरेटर कर रही है और टन ऑटोमेटिक यहाँ पे लग रहे हैं। नेजे टन चल रहे हैं, कितने टन 340 टन हमें लगाने थे, 340 टन हमारे कंप्लीट लग चुके हैं। 40 टन हमारे लग चुके हैं और इस तरफ हमने घुमाया था, अब की बार इस तरफ हमें घुमाएंगे ऊपर की तरफ। हमें यहाँ से दूसरे स्लॉट में डाई फिक्स कर दी है और पहले हमारे जो टन थे इस प्रकार से लग रहे थे, अब हमें इस प्रकार से लगाना है ऊपर की तरफ। और टन उतने ही लगाने हैं जैसे कि 340 इसमें ऊपर की तरफ लगाया था, तो नीचे की तरफ भी 340 होना चाहिए। यहाँ से ग्रीन बटन पे यहाँ पे सुई आ चुकी है, बत्ती पर यहाँ पे दिखा चुकी है और ग्रीन बटन को स्टार्ट करेंगे। जीरो से टन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और टन लगना स्टार्ट हो गए यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। एक बार उल्टी बार और एक बार सुलटी बार इस स्लॉट में वायर डलता रहेगा। सबसे पहले हमने इस तरफ डाला था इस तरफ, दूसरी बार इस तरफ, तीसरी बार वापस इस तरफ, चौथी बार इस तरफ, इस प्रकार से लगते हुए पूरे स्लॉट में डल जाने चाहिए। हमने यहाँ पे डाई को दूसरे पिच में सेट कर दिया है, हमने पहले इस तरफ टन दिए थे अब इस तरफ देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से टन लगाएंगे। बत्ती हमारी ग्रीन बटन पे आ चुकी है, टन लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे पूरे टन कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें इस प्रकार से टन लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरे पिच में सेट करते हैं। नीचे की तरफ दूसरे पिच में सेट कर देते हैं और वाइंडिंग करते हुए नीचे की तरफ आना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। घुमाते हुए टन डलेंगे तभी पंखा हमारा सक्सेस होगा, नहीं तो पंखा हमारा घूमेगा नहीं। चलो तो यहाँ से घुमा कर उस तरफ डाल देते हैं। तो एक हाथ से हम डाल नहीं सकते, एक दो टन देना जरूरी होता है, तो बाकी हम एक दो टन यहाँ पे दे लेते हैं।
एक टन हमारा लग चुका है, ज़्यादा हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि एक हाथ में हमारे कैमरा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उस तरफ घूमना चाहिए, इस तरफ देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टन लगना हमारा स्टार्ट हो चुके हैं, टन सभी में 340 टन होने चाहिए। इस प्रकार से लगाते हुए जाना है, एक तरफ उल्टी बार, एक तरफ उल्टी बार, एक तरफ उल्टी बार, एक तरफ उल्टी बार, इस प्रकार से इसके कनेक्शन रहेंगे। चलिए हम इसको रिवाइंड कर देते हैं पूरे को, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने कंप्लीट पूरी वाइंडिंग कर दी है और वाइंडिंग में से यहाँ पे हमारे पास में दो कनेक्शन निकले हैं, वाइंडिंग में से यहाँ पे दो कनेक्शन निकले हैं, देख लीजिए पूरा कंप्लीट हमने अच्छे से वाइंड किया है। और उसी प्रकार से जो टन लगाए थे, जिस प्रकार से टन आपको बता रहे थे, अब इसकी रनिंग के बारे में, तो डाई सेट करना भी आपको सिखा देते हैं। जो रनिंग की डाई सेट होगी वही स्टार्टिंग की डाई सेट होगी। हमने सीलिंग पैन के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग कोयलें तो डाल दी थी, अब रनिंग कोयलें की बारी है। यहाँ पे हमने पेपर फोल्ड करके अच्छे से यहाँ पे डाल दिए हैं और अब इसको रिवाइंड करते हैं। रिवाइंड करने से पहले हम आपको इसको सेटिंग बता देते हैं मशीन की। यहाँ पे हमने सीलिंग पैन को डाई पर सेट कर दिया है, क्योंकि दोनों डाई पर अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया है और यहाँ पर इसकी मदद से हमने आगे तक खेल दिया है। और जो डाई के अंदर है वो तो फिक्स चला गया है, जो ये कॉर्नर है वो डाई के अंदर बैठ चुका है। एक बार आपको दिखा देते हैं, बीच में यहाँ पे एक कॉर्नर आ रहा है, दोनों कॉर्नर बीच वाले वह हमारे इस छेद पर बैठना चाहिए यहाँ पे इस छेद पर, और दोनों पिच यहाँ पर पिच पर ये दोनों कॉर्नर है आगे वाले, ये दोनों कॉर्नर सेट होने चाहिए। जैसे कि हम आपको सेट करके दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये डाई थोड़ी कैरी हो रही है, हमने अच्छे से ये बैठ जाता है इस प्रकार से, कंप्लीट है। और यहाँ पर इन दोनों डाइयों को यहाँ से बुलेट से हमने कसे हैं, यहाँ पे दोनों बुलेट हैं जो हमने कस चुके हैं, और इधर की तरफ भी दो बुलेट हैं जो कि दीवार उस तरफ आ रहे हैं, तो उस तरफ का हिस्सा आपको नहीं दिखाएंगे, एक तरफ से आपको दिखा देंगे। तो दोनों तरफ से आप सेट कर सकते हो, हमने यहाँ पे दोनों को कस लिया है और फिक्स बराबर में यहाँ पे जो स्टार्टिंग की कोयलें रिवाइंड की थी उसके पेपर से सटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए क्लियर सटा हुआ है, हल्का सा हल्की सी दूरी है यहाँ पे सेट है। और दूसरा तरीका में यह देखना है कि जो ये दोनों पत्तियाँ हमारी, ये दोनों पत्तियाँ हैं, इन दोनों पत्तियों को यहाँ पे जो ये पीछे पीछे इसके यहाँ पर होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे छेद रखा है, देख लीजिए इतनी जगह रखी है यहाँ पे, नीचे की तरफ भी इतनी जगह होनी चाहिए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ दिखाते हैं आपको, नीचे की तरफ भी इतनी जगह है, ये देख लीजिए, यानी कि ये डाई तो हमारी कंप्लीट है। और उसके बाद में यहाँ से देखना है, यहाँ की तरफ से देखना है कि खांचे पे ये फिक्स हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये आगे बढ़ाने की जो पत्ती है उसको ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे सॉकेट दे रखा है, इसे आप ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी, इस प्रकार से नीचे कर सकते हो, इस प्रकार से ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, हल्की सी हमें बड़ी करनी है इसको, तो ये हमारे हल्की सी बड़ी हो चुकी है, यानी कि अच्छे से ये सेट हो चुकी है। अब इसको टन डालेंगे, टन डाल के देखेंगे कि ये सही से सेट हुई है या नहीं है। और यहाँ पे हमने 35 नंबर वायर यूज में लिया है जो कि रनिंग के लिए, और यहाँ से वायर स्केप में से निकाल के और यहाँ से नमदे से निकाल के और गिरारी से, गिरारियों के पास से निकाल के सीधा साफ्टिंग के अंदर होके यहाँ से गिरारी में आ गया, और गिरारी में आके हुए यहाँ से वायर यहाँ पर पहुँच गया। अब इस वायर को इस पत्ती के नीचे होके निकालेंगे, बीच में होके, दोनों पत्ती के बीच में होके निकालेंगे, जो कि हमारे फैन की तरफ चले जाएगा। अब फर्स्ट कोयल डाल के देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट कोयल को, हमने वायर ले लिया है यहाँ पे और वायर यहाँ से निकाल दिया है, फर्स्ट कोयल हमारी उस तरफ रिवाइंड होगी, जो कि इसमें 370 टन डालेंगे हम।
इस तरफ रिवाइंड होगी फर्स्ट कॉइल। चलो स्टार्टिंग करते हैं। कॉइल का वायर हमारा अच्छे से पिच के अंदर जा रहा है, तो चलने देंगे, देखते हैं वायर टूटता है या नहीं, या फिर वायर दूसरे स्लॉट में जाता है या नहीं जाता है, वह भी हमारे को पता चल जाएगा। हमारी पूरी कॉइल रिवाइंड होकर कंप्लीट हो चुकी है, कोई वायर यहाँ पे टूटा नहीं है, और कॉइल भी यहाँ से आपको दिखाते हैं अच्छे से सेफ्टी आई है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हमारी डाई फिक्स है। डाई को हमें छेड़ना नहीं है, डाई को वैसे के वैसे रखना है, और दूसरे नीचे वाले पिच में इसको डाई को सेट करते हैं। फैन को सेट कर दिया नीचे वाले पिच में, और जो ये वायर बचा है इसको वापस खींच लेंगे थोड़ा, ताकि ये कहीं दूसरे स्लॉट में जा नहीं पाए, किधर भी थोड़ा उलझ नहीं पाएगा, और दूसरे स्लॉट में इस प्रकार से टर्न आएंगे। अभी हमने इस प्रकार से टर्न दिए थे, अब इस प्रकार से टर्न देंगे, स्वयं उसी प्रकार से जैसे रनिंग हमें स्टार्टिंग में टर्न दिए थे वैसे ही रनिंग में हमें टर्न देना है, और ऐसे ही वाइंड करते हुए चले जाना है। हमारा पंखा कंप्लीट सक्सेसफुल होगा। अगर आप एक भी टर्न चूक जाओगे तो पंखा घूमने में दिक्कत करेगा, या तो घूम ही नहीं पाएगा, या फिर वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे दो कोयले कंप्लीट हो चुकी है, दोनों कोयले आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए अच्छे से, और आपको टन भी अभी दिखा देंगे। टन यहाँ पे हमें 370 टन दे रही हैं, क्योंकि ये 14 स्लॉट सीलिंग पेन है। थोड़ा सा वायर बाहर निकल चुका है, इसको हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। टन यहाँ पे देखते हैं टन कितने टन देता है। यहाँ पे टन की गिनती हो रही है, काउंटिंग हो रही है, कितने टन इसमें डलना चाहिए। 370 टन डलना चाहिए, 370 रुपये हमने सेट किया है, कंप्लीट 370 टन यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि हमारा फैन कंप्लीट है। हमने इस प्रकार से अभी हमने इस प्रकार से घुमाया था, अभी इस प्रकार से हमें वापसी में घुमाना है। यहाँ से तीन कोयले हमारे डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अगर कुछ वायर यहाँ पे बाहर निकलते हैं इसको दबा लेना है। अब चौथे वाले पिच पे हम सेट करते हैं। चौथे पिच पे सेट हो चुकी है। एक दो टन हमें हाथ से देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर जो हमारा स्पीड में अगर वायर चलेगा तो टूट भी सकता है, या फिर अपने पिच में नहीं गया दूसरे पिच में भी जा सकता है, इस वजह से हमें एक दो टन पहले से ही देना पड़ेगा। ये हमारी चौथी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, और पांचवी कॉइल में हम डालने जा रहे हैं। एक दो टन दे लेने हैं हमें पहले। पांचवी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, एक वायर हमारा बाहर निकल चुका है, जो कि आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक दो वायर यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, वायर भी हमारा फैल चुका है थोड़ा बहुत। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब वायर हमारा ढीला पड़ जाता है, तब ये हो जाता है। तो यहाँ से इन वायरों को अंदर की तरफ धकेल लेंगे, साथ के साथ ये भी काम करते हुए जाना है, ताकि बाद में दिक्कत आएगी। अगर कोई वायर अगर छोटा पड़ गया तो इसमें जगह नहीं रहती कोई भी वायर को खिसकाने की। टाइम ने सेट कर दिया, और एक दो टन यहाँ पे पहले ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा वायर को टाइट करते हैं, टाइट करने का तरीका आपको दिखाते हैं। यहाँ से जो हमारी ममदा लगा हुआ है, इस ममदे पर एक बोल्ट लगा हुआ है,
उस बोल्ट से यहाँ से इस प्रकार से टाइट करना होता है ताकि जितना भी वायर हम टाइट कर सकें यहाँ से टाइट कर सकते हैं। और इसको चेक करेंगे वायर क्या ज़्यादा तो टाइट नहीं हुआ, हल्का सा ज़्यादा टाइट हो चुका है तो इसको हल्का सा वापस ढीला कर लेंगे। चलते हैं सीलिंग पैन की तरफ। दूसरे पेज में हम टन देते हैं यहाँ पे। अब अच्छे से टन हमारे इसमें आ रहे हैं, बढ़िया यहाँ से टाइट होकर जा रहा है। हमने पहले भी टाइट किया था तो यहाँ से अच्छी खासी कोयल टाइट आई थी, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये ढीला पड़ गया था तो यहाँ से कोयल फैलने लगी थी। अब देखते हैं इस कोयल को या फैली या नहीं। देख लीजिए दोस्तों, कोई भी कोयल यहाँ से कोई भी वायर बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि वहाँ पर हमने ममदे को टाइट कर दिया था, तो ममदा टाइट होने पर वायर इतना टाइट हो जाता है तो यहाँ पर बाहर वायर नहीं निकल सकता। कुछ कमियाँ ये भी होती है, छोटी छोटी कमियों को देखना पड़ता है यहाँ पे। अब आगे के पेज में वाइंड करेंगे, एक बार उल्टा और एक बार सुलटा दोस्तों, इसी प्रकार से घुमाते रहना है तब तो हमारा फैन अच्छे से वाइंड होता रहेगा। यहाँ पर हमारे कुछ दिक्कत आ गई है, वायर खिसक कर बाहर निकल चुका है। देख लीजिए इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है। ये प्रॉब्लम इस प्रकार की क्यों आई है? यहाँ पर जो हमारी डाई है, या तो डाई खिसक गई है, डाई हमारी नीचे की ओर खिसक गई है, पीछे की तरफ से अच्छे से टाइट नहीं हो पाई थी इस वजह से। तो यहाँ से हम जॉइंटी करेंगे, यहाँ से यह वायर वापस सही से निकलने में नहीं आएगा, यहाँ पे गुट्टी आ जाएगी, इस वजह से हम इसको काट देंगे और उसके बाद में वापस से इसको सेट करेंगे, डायपर फैन को सेट करेंगे। यहाँ पे डाई को हमने अच्छे से सेट कर दिया है, दोबारा यहाँ पे उसी पिच में टन डालेंगे। वहाँ पे 110 टन हो चुके थे तो यहाँ से रिसीव कर लेते हैं। 110 टन हो चुके थे तो इनको रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने का ये यहाँ पे पुश बटन दिया गया है, यहाँ पे इसको रिसीव हो चुका है, एक से वापस टन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे इसको वाइंड करेंगे, ये इस प्रकार से घूम रहा था पहले, जो कि कोयल पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी बार में हमने कोयल डाल रहे थे उसमें दिक्कत आई थी, उसमें इस प्रकार से घूम रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों वायरों को एक जगह पर ले लेंगे और उसी प्रकार से घुमाएंगे जैसे कि पहले ये घूम रहा था। अब हमारी कोयल अच्छे से अंदर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी इन कनेक्शनों को यहीं पे सेट कर लेंगे। कोयल पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अगला पीछे लेते हैं। इस प्रकार से डालते हुए चले जाना है हमें। अब उल्टी तरफ घुमाएंगे, एक बार क्लोज वाई, एक बार एंटी क्लोज वाई। कोयल में हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 370 टन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले कोयल में टन देंगे। यहाँ पे एक वायर बाहर निकल चुका है, इसको अंदर धकेल लेंगे, नहीं तो ये कट भी हो सकता है। कुछ वायर यहाँ पे बाहर निकल गए हैं, वापस इसको सेट करना है। जिस प्रकार से यहाँ पे टन लगे हुए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे सेट करते हुए चले जाना है। चलो यहाँ पे टन सेट हो चुके हैं, वापस पिच के अंदर, अगले पिच के अंदर डालेंगे डाई को।
कंप्लीट डल चुका है, चलो रिवाइंडिंग स्टार्ट करते हैं इसके। दोस्तों हमने हमारे चैनल पर फैन रिवाइंडिंग का वीडियो नहीं डाला था, सीलिंग पैन का, जो कि ये फर्स्ट वीडियो हमारा सीलिंग पैन रिवाइंडिंग का। इसमें आपको हर एक चीज़ दिखा रहे हैं और इसको घुमाकर भी दिखाएंगे अभी आपको, कनेक्शन करके सेट करके। बाकी वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बढ़िया वीडियो आपके लिए हम ला सके। दोस्तों आपके प्यार सपोर्ट से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और जितना आप प्यार सपोर्ट करेंगे तो उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए हम बना सकेंगे। अगर कोई भी वायर यहाँ से निकल जाता है तो उसको वापस दबाना है बीच के अंदर। हमारी वाइंडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पूरे टर्न हम दे चुके हैं, तो सीलिंग फैन को हम बाहर निकाल लेंगे। सीलिंग फैन को हम बाहर निकालते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे वायर को कट कर देते हैं और वापस बाहर निकाल लेते हैं, टाई को खोल लेते हैं। लास्ट वाले स्लॉट में कुछ वायर बाहर निकल गए तो इसको दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर इस प्रकार से फोल्डिंग पेपर लगाना है ऊपर की तरफ ताकि वायर बाहर नहीं निकलेंगे। यहाँ पे पेन को हमने रिवाइंडिंग कर लिया है, यहाँ पे वार्निश भी डाल दिया है, वार्निश यहाँ पे अच्छे तरीके से सूख चुका है। और हमने यहाँ से चार कनेक्शन निकाले थे, जो कि दो कनेक्शन तो यहाँ पे रनिंग वाले हैं, रनिंग वाले रेड कलर के कनेक्शन हैं, और स्टार्टिंग के जो कनेक्शन हैं वो ब्लैक कलर के कनेक्शन हैं, जो कि एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये दो कनेक्शन निकाले हैं। हमारी रिवाइंडिंग कंप्लीट है, कनेक्शन कंप्लीट है, अब इसको फिटिंग कर लेते हैं। वार्निश डालकर भी हमने इसको सुखा दिया है एक दिन, यानी कि 12 घंटे अच्छी तरीके से ये सूख चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के यहाँ पे इनके ढक्कन है, दोनों तरफ के ढक्कन है, और यहाँ पे ये रिंग है, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। स्प्रिंग जो कि नीचे की तरफ जो शाफ्टिंग है उस पर सेट होगी, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए यहाँ से हथौड़ी की चोट मारेंगे इसके, जो थोड़ा सा अंदर के बेरिंग के अंदर चला जाएगा, और बेरिंग के अंदर लूजिंग नहीं रहना चाहिए। बेरिंग के अंदर थोड़ा ये लूजिंग था तो हमने क्या है कि यहाँ से चीनी से थोड़ी टचर कर ली थी, तो ये टाइट हो चुका है नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी, तो अच्छे से ये बैरिंग के अंदर बैठ चुका है और फिर ही घूम रहा है। उसके बाद में यहाँ पर बैरिंग के अंदर बैरिंग हमारे काफ़ी ठीक ठाक है, ऑयल ग्रीस हमने कर लिया था, और इसको सेट करते हैं। ये कुछ इस प्रकार से सेट होगा, ये तब यहाँ पे जो ये स्क्रू है इसका ध्यान रखेंगे, मिलाकर चलेंगे इन छेदों को स्क्रू से। चलो यहाँ पे ऊपर ये ढक्कन को भी यहाँ से लगा देते हैं और चारों वायर यहाँ से निकाल लेते हैं। ये सेट हो चुका है, अब यहाँ पे थोड़े थोड़े जगह है, इसके अंदर हमने रोटर भी इसके अंदर ही फिक्स है, इसके चिपका हुआ था इस वजह से आपको अलग से डालकर नहीं दिखाया है। अब यहाँ से बुलेट का जो निशान है उसको देखेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ से, और दबाकर ब्लूट के निशान पर सीधे की सीधे सेट कर देंगे। इस प्रकार से ये सेट हो जाता है कंप्लीट, देख लीजिए। अब उसके बाद में इसके जितने भी ब्लूट है वो यहाँ पे लगा देंगे।
तीन हमारे पास में यहाँ पे बुलेट है, तीनों बुलेट को यहाँ पे सेट कर देते हैं। और थोड़ा छेद आउट हो जाए तो इस प्रकार से भी आप छेद को वापस बिठा सकते हो, थोड़ा टेढ़ा निकल जाता है। यहाँ पे सभी बुलेट कंप्लीट हो चुके हैं और हल्के हल्के सभी बुलेट को कसना है इस प्रकार से, थोड़ा इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है और इसको भी वहाँ तक ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है और इसको भी वैसे ही ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब यहाँ से हल्के हल्के टाइट करते हुए जाना है, हल्के हल्के टाइट करते हुए जाना है, एक साथ किसी को भी टाइट नहीं करना है, सभी को थोड़ा थोड़ा टाइट करते हुए जाना है ताकि हमारा जो फैन है वो फिर से सेट होगा, फैन में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। इस प्रकार से सेट हो चुका है और देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही फिर हमारा फैन घूम रहा है, ये देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके सामने जो भी कार्य किया हमने आपके सामने किया है, बिल्कुल फ्री है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कैपेसिटर सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3.15 का कैपेसिटर है, देख लीजिए 3.15 का कैपेसिटर हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको एक वायर रनिंग पर लगाना है, एक स्टार्टिंग पर लगाना है, तो बाकी जो दो बचे वायर उन दोनों को यहाँ पे कॉमन कर लेना है स्टार्टिंग और रनिंग को, और जिस तरफ भी घूमेगा तो वह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या उल्टा या सुल्टा किधर भी हमें घुमाना है यहाँ से हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारी सीरीज की डोरे हमने ली है, सीरीज की डोरे हमने ले ली है और इसको यहाँ से फलक में बिठा देते हैं, यहाँ से सीरीज में ही लगाएंगे हम इनको, ताकि जब भी यहाँ से हम तार भी बढ़ जाए तो बल्ब भी गिले होगा, ताकि हमारे कोई झटका वगैरह नहीं लगेगा, शॉर्ट करने का डर नहीं रहेगा। अब इसको थोड़ा उठा कर देखेंगे, चलाकर थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लेते हैं ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे, और हमें रनिंग वायर ऊपर ही यहाँ पे लाइट सर्विस लाइन का वायर लगाना है। फैन हमारा यहाँ पे तो उल्टा घूम रहा है, चलिए अब इसका कनेक्शन चेंज करते हैं, इस फैन को इस प्रकार से घूमना चाहिए था। यहाँ पे कॉमन को वापस खोलेंगे और इधर से स्टार्टिंग को यहाँ से हटाएंगे कैपेसिटर से, और ये वाला स्टार्टिंग कॉमन पर था जो जिसको कैपेसिटर पे लेंगे, ये हमने ले लिया है, तो कैपेसिटर वाले को कॉमन पर यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा सुल्टा कनेक्शन हो जाएगा। और थोड़ी इसमें घूमने में थोड़ी दिक्कत आई थी, वैसे तो फिर घूम रहा है पर थोड़ा ये अटक गया था, तो यहाँ से इसको उठाकर इस प्रकार से सारी तरफ इस प्रकार से उठाकर ठोक लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और चलने में भी अच्छी प्रकार से चलेगा। चलो तो दोबारा इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ पे वापस सीरीज में पिन लगा दिया हमने, सीरीज में लगा दिए और अब इसको चलाकर देखते हैं, रनिंग पर एक वायर, रनिंग पर एक वायर, कॉमन पर। ये हमारा फैन आसानी से घूम रहा है, ये देख लीजिए, यानी कि हमारा फैन सक्सेसफुल है, देख लीजिए कितनी स्पीड ये पकड़ रहा है, सीरीज में भी ये काफ़ी स्पीड पकड़ के चल रहा है, देख लीजिए, यानी कि हमारा काफ़ी अच्छी स्पीड से फैन घूम रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।